नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज पेटीकोट का स्टिचिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ढाई मीटर कपड़े में हम किस प्रकार से 37 इंच लेंथ, 38 इंच, 38 इंच हिप का पेटीकोट सिलने वाले हैं। ये नाड़ा इस प्रकार से 1 इंच का नाड़ा बनाएंगे। कमर बेल्ट है 19 इंच का, डबल फोल्ड में इसको रखना है। ये इस प्रकार से 5 इंच का इसका चौड़ाई रहेगा, 19 इंच इसका लंबाई रहेगा, 38 इंच कमर का, 38 और हाफ फुल हिप रहेगा इसका, जो कमर का नाप है वो। तो 37 इंच लंबाई में 1.5 इंच नीचे पट्टी के लिए और 2.5 इंच ऊपर कमर बेल्ट रहेगा। तो 2.5 इंच माइनस करके इसको बनाएंगे। तो ये जो है वो कली है, एक पल्ला जो है 3 पीस, जो 3 कली है उसको हमने सिल लिया है। 6 कली पेटीकोट बनाने के लिए इसी प्रकार से आप कटिंग करके स्टिच करेंगे। इसको तो हमने सिल लिया है, जैसे ये 3 कली है, ये देखिए, दो दो सिलाई करके सिलनी है इसको। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलेंगे। तो ये 2 कली है, देखिए ये इस प्रकार से। अब ये है वो डबल फोल्ड है, ये इस प्रकार से, ये 1 कली है। तो 3 कली पेयर है, उसको हम इसको अटैच करेंगे। जो छोटा हिस्सा है वो ऊपर साइड रहेगा और जो चौड़ाई हिस्से में है वो नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पर हम पट्टी बनाएंगे। तो अपने कली को जो है वो यहाँ पर अटैच करेंगे, छोटा हिस्सा छोटा ऊपर तरफ रखेंगे और जो चौड़ा हिस्सा है उसको नीचे की तरफ रखेंगे घेर के लिए। तो चलिए दोनों पल्लों को अलग कर लेते हैं और इसमें अटैच करते हैं। ये इस प्रकार से इसको रखेंगे। ये इस प्रकार से अब इसको सिलाई लगा लेंगे। ये ऐसे अच्छे से दोनों पल्ले एक बराबर होने चाहिए। अब बूट को ध्यान देते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिल लेना है। तो पूरी सिलाई इसमें हम लगा लेते हैं पहले। इस प्रकार से ऊपर नीचे का कपड़ा ध्यान में रखते हुए उसको सिल लेना है। तो चलिए इसको नीचे तक सिल लेते हैं पूरा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मित्रों, तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे बढ़ाएं और टेलरिंग संबंधी जानकारी और टेलरिंग कटिंग टेलरिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर वॉच करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा काम कैसे, आपको कैसा लगता है। और कोई सुझाव है तो बिल्कुल इसको प्रेषित करें। तो चलिए इसको हमने ये नीचे तक पूरा सिलाई लगा ली है, ये इस प्रकार से। अब सेम इसी प्रकार से दूसरी तरफ को भी सिल लेंगे।
सिलाई सिलाई का जो वीडियो रहता है मित्रों, वो काफ़ी थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि बहुत बारीक से हर एक चीज़ को सिखाना होता है। अगर एक चीज़ को छोड़ दिया जाए दूसरे को सिखाए तो ठीक नहीं लगता है और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, और समझ भी आपको अच्छे से आए। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपको अच्छे से समझ आए। तो इस प्रकार से वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि आपको इतने में आपको कम टाइम में आपको समझा सकें। देखिए बूट पर ध्यान दीजिए, और जो जितना मार्जिन आप हमने लिया है उसी हिसाब से हाफ इंच का ही मार्जिन रखें और सीधी सिलाई लेते जाएं। यहाँ से पेक कर लें और दो सिलाई लगा लें। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगाई है, इसमें डबल करके आप लगाएंगे, और ये तीनों पल्ले हमने जोड़ लिए हैं, इसमें पहला, दूसरा और ये तीसरा पल्ला, ये दूसरा हिस्सा है। अब इसको दोनों को उल्टे तरफ सीधे तरफ वो बीच में रखेंगे, सीधा हिस्सा सीधे तरफ, उल्टा हिस्सा। अब इसमें बाहरी सिलाई लगाएंगे, एक तरफ से जोड़ लेते हैं दोनों पल्लों को। बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बन पाता है मित्रों, मेहनत लगता है इसको एडिट करने में, और तो काफ़ी दिनों के बाद ही वीडियो डल पाता है, तो इसलिए क्षमा करें। कोशिश करते हैं कि आपको पूरा टाइम दे पाएँ। चलिए यहाँ पर से ओपन रहेगा, एक तरफ पूरा हमने सिलाई लगा दी, तो दोनों पल्ले हमने ज्वाइंट कर लिए। अब यहाँ से हम इसको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। लगभग 3.5 इंच के आसपास इसको ओपन रखना है। तो इस प्रकार हमने इसको सिल लिया, दूसरी साइड भी इसी प्रकार से सिल लेंगे जैसे पहले को सिला। ये इस प्रकार से अब दोनों पल्लों को एक साथ कीजिए, और यहाँ से इसको जितना ओपन रखना है ये इस प्रकार दोनों को एक बराबर रखना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी 1 इंच सिलाई लगा देंगे ताकि पल्ले जो है आगे पीछे ना हो, ये इस प्रकार से। एक इंच का ही सिलाई लगाया हमने, अब इसको कट कर देते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर हम घेरा में पट्टी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 1.5 इंच का यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इसको हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद 1 इंच और फोल्ड करेंगे। तो देखते जाइए, ये पहले हमने 1/2 इंच इसको फोल्ड किया, और इसमें हम एक सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा लंबा टाँका में इसको सिलाई लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पतला टाँका लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सिलाई इसमें हम और लगाएंगे। पूरे घेर का राउंड में सिलाई लगा लीजिए, ये इस प्रकार से यहाँ तक पूरे राउंड में लगाना है, ये इस प्रकार से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये इस प्रकार इसको हमने सिल लिया है। अब इसको 1 इंच वापस मोड़ देते हैं, इसको ऊपर की तरफ, ये जैसे कि हमने इसको मोड़ा,
ये पूरे घेर में ऐसे सिलाई लगा लेंगे एक इंच फोल्ड करके, ये यहाँ तक पूरा। अब धागा को कट कर देते हैं, क्योंकि कचरा हो जाता है इसको, धागा को बिल्कुल सफाई के साथ कट करते जाएं। अब सेम इसी प्रकार से सीधा करके कपड़े को चार लाइन की सिलाई लगानी है यहाँ पर, जैसे देखते जाइए, बिल्कुल एक फुट का जो गैप रहता है उसके हिसाब से इसमें सिलते जाएं। नीचे पट्टी बनाने के लिए पट्टी घेरा जो भी यूज करना चाहें अपने रुचि के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए। इसमें मैंने पट्टी पट्टी से ही इसको बनाया है, झालर भी लगता है और इसमें डिज़ाइन भी बनता है, तो पट्टी वाला ही इसमें हमने यूज़ किया है, सिलाई से ही इसको डिज़ाइन को बनाया है। तो लगभग इसमें हमने दूसरी सिलाई इसको कर ली। अब एक सिलाई और लगानी है इसमें, तो लगभग चार सिलाई का राउंड, एक इंच का जो पट्टी रहता है उसमें चार सिलाई आप लगा सकते हैं, चाहे तो आड़ा टेढ़ा करके तीछा और राउंड राउंड करके आप सिलाई लगा सकते हैं, पर इतना काफ़ी है। तो हमने चार ही सिलाई लगाई है और अच्छा भी है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको ऊपर की तरफ आते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम बेल्ट, ये इसको उल्टा कर लेते हैं, जो सीधा जहाँ पे हमने रखा है उसको। ये इस प्रकार से इसको उल्टा कर लेंगे। अब ये बेल्ट लेंगे, बेल्ट को एक आधा इंच का मोड़ेंगे, पहले नाड़ा हिस्सा में इसको मोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ को मोड़ लेंगे। अब इसको धागा को कट कर लेंगे। अब ऊपर तरफ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिल लेंगे। ये पूरा कमर का जो बेल्ट है उसमें पूरा सिलाई लगा लेंगे, ऊपर तरफ एक तरफ सिलना है, दूसरे साइड को खुले रखने हैं, क्योंकि इसको हम इसको पेटीकोट में उसको अटैच करेंगे। तो देखिए उल्टे हिस्से में हम इसको बेल्ट को, ये उल्टा हिस्सा है पेटीकोट का, उसमें हम सीधी तरफ बेल्ट को लगाएंगे, जो सीधा है उसको ये इस प्रकार से, फिर इसको पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। धागा को सब साफ करते जाएं। अब देखते हैं इसको सीधा करके, ये इस प्रकार से। अब देखिए जो हमने सिला है आधा इंच का दबाव लिया है उसको, वहाँ से फिर पूरे कमर में फिर सिलाई लगा लेंगे, ये इस प्रकार से। ज़्यादा खींचे नहीं इसको, अगर खींच देंगे तो ये पूरा फोल्ड आ जाएगा, और वही चीज़ नहीं करना है, इसमें ध्यान देना है। तो कपड़े को आप ज़रा सा इसमें खींचे ना, हल्का सा इसको राउंड रखते हुए इसको सिलते जाएं। अब इसको देखिए हमने नाड़ा अटैच कर लिया और कमर बेल्ट उसको भी लगा लिया। तो आशा करती हूँ मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हमें कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए मित्रों, क्योंकि
काफ़ी दिन हो गया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।